दर्शकों, इस महीने में खासतौर से जो वर्षावास का महीना जो होता है, ये सभी तरफ एक तरह से धम्म का माहौल बन जाता है। और इसी दौरान बुद्ध धम्म के अनुसार चारिकाएं होती हैं, वर्षावास होता है। तमाम विहारों में भंते जो है वहाँ रहकर लोगों को अच्छी बातें, प्रवचन, तमाम सारी अच्छी शिक्षाएं देते हैं। यही वो दौर होता है जब जो नए लोग होते हैं, जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो भिक्खु बनना चाहते हैं, जो भंते बनना चाहते हैं, या आगे उसके आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर उपासक भी, जो लोग बुद्ध धम्म का अनुभव लेना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, वो श्रामनेर के रूप में दीक्षा लेते हैं। और श्रामनेर की जो दीक्षा है, ये कुछ दिनों की, कुछ महीनों की, अलग अलग तरीके से अपने अपने अनुसार इसे विभक्त कर दिया जाता है। ये वो दीक्षा होती है जहाँ पर बताया जाता है कि किस तरह से बिना किसी लोभ लालच के, या यही वो दीक्षा होती है जो बताती है कि अन्न का महत्व क्या होता है, अनुशासन का महत्व क्या होता है। और इसी दौरान श्रामनेर बनकर वो भिक्षु बनने की पहली सीढ़ी में कदम रखते हैं। तो श्रामनेर बने हुए इंदौर के कुछ लोग जो इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका आगे का क्या प्लान है, किस तरह से वो आगे काम करने वाले हैं, और इस तरह श्रामनेर बनकर उन्होंने इन दिनों में क्या अनुभव किया। मेरा नाम भंते मैत्रेय है जी, और दीक्षा के पहले मेरा नाम मोहन मेश्राम था जी। इस दीक्षा को आप किस तरह से देखते हैं, श्रामनेर? ये श्रामनेर दीक्षा लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए होता है कि विश्व में भाईचारा हो, लोगों में भाईचारा हो और लोगों का कल्याण हो, इसलिए यह श्रामनेर दीक्षा होती है। वैसे ही संदेश हम लोगों तक पहुंचाते हैं। और आपने देखा होगा कि दुनिया में धर्म के नाम से कितनी हानि हुई है, कितने लोग मरे। एक ये जो वार हुआ था, यूक्रेन वार, रूस वार, इसमें लोग इतने नहीं मरे होंगे जितने धर्म के नाम से लोग मरे हैं। तो लोगों में सद्भावना कैसे पैदा हो, लोगों में शांति पैदा कैसे हो, तो इसलिए ये हम श्रामनेर शिविर आयोजित किया है। मेरा पूर्व जन्म का नाम भीमराव बौद्ध है, और 3 तारीख को जो दीक्षा हुई उसके बाद मेरा नाम जो है बनते भीम प्रकाश रखा गया जी। ये बताएं कि श्रामनेर की जो दीक्षा है वो कितना महत्व रखती है इंसान के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए? संपूर्ण मनुष्यों के लिए, पृथ्वी पर जो हैं उनके लिए श्रामनेर दीक्षा बहुत ही महत्व रखती है। और गृहस्थ जीवन में जैसे पंचशील बहुत महत्व रखते हैं, तो पंचशील को अपनाने के बाद फिर और ज़्यादा धम्म को समझना है और धम्म का प्रचार करना है, प्रसार करना है, लोगों को शीलवान बनाना है, इसलिए ये श्रामनेर प्रवज्जा होती है जिसमें 10 शील होते हैं। उपासकों के 5 शील होते हैं, लेकिन श्रामनेर प्रवज्जा होने के बाद 10 शीलों का पालन करना पड़ता है। और 10 शीलों का पालन जब व्यक्ति कड़ाई से करता है और वापस गृहस्थ जीवन में आता है, तो बहुत ही उसका जीवन अनुशासित हो जाता है, और फिर धम्म के प्रचार में ग्रस्त रहते हुए भी वो अपना बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। इसलिए बुद्ध के शासन में इस प्रवज्जा का, श्रामनेर प्रवज्जा का बहुत ज़्यादा महत्व है। और हम ये देखते हैं इतिहास को, तो अशोक के ज़माने में तो 1 लाख से ज़्यादा भिक्खुओं को उन्होंने गलत आचरण के कारण भिक्खु संघ के न्यायालय के माध्यम से एक्सपेल करवाया था, बाहर निकलवाया था। इससे अंदाज़ा लगता है कि उस समय कई कई लाख भिक्षु रहे होंगे और कई कई लाख जो है श्रामनेर रहे होंगे, और इसीलिए उस काल को जो है भारत का स्वर्ण काल कहा गया, सोने की चिड़िया काल जी। तो श्रामनेर शिविर का बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत सारे देशों में, खासतौर से जो बौद्ध देश हैं, वहाँ पर छोटे बच्चों को भी ये दीक्षा दिलवाई जाती है। आपके हिसाब से बच्चों में ये दीक्षा कितना महत्व है? बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। हमारे देश में भी जो 7 सिस्टर्स है या हिमाचल प्रदेश है, इन क्षेत्रों में क्या है कि जिनके घरों में 1 से ज़्यादा बच्चे होते हैं या धम्मशील हैं, तो 1 भी बच्चा होता है तो उसको श्रामनेर के रूप में ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं।
तो वहाँ हम देखते हैं कि जो धम्मधर परिवार है वो अपने एक बच्चे को श्रामनेर बनाता है, और जब वो श्रामनेर रहते हुए पढ़ाई करते हैं, 10 शीलों का पालन करते हैं, तो बहुत अच्छे नागरिक वो देश के बनते हैं, बहुत अच्छे धर्म प्रचारक बनते हैं। अच्छा, आपने जब दीक्षा ली थी अभी श्रामनेर की खास तौर से, तब कितने लोग थे और अब आपके साथ में कितने लोग हैं, और कितने दिन की है ये आपकी दीक्षा का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा? जब ये दीक्षा संस्कार हुआ तब 6 उपासिकाओं ने श्रामनेर की दीक्षा ली और 10 उपासकों ने ली। इस प्रकार से 16 लोग प्रवजित हुए। सारे 16 लोग जो हैं इस भिक्षु संघ में अभी उपस्थित हैं। अब ये बताएं कि आगे का क्या प्लान है, क्या क्या इस तरह से ये चारिका चलेगी, इसके साथ साथ और क्या करना है? चारिका देखिए, जिस दिन से संस्कार हुआ है उसके बाद से चालू हो चुकी है। इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में भिक्षु संघ चारिका करता है सुबह के समय, और अभी ये जो 18 जुलाई आ रही है तो 18 जुलाई से मध्य प्रदेश के लगभग 35 नगरों का भ्रमण चालू होगा, जो खंडवा से चालू होगा। तो 18 तारीख से खंडवा से वो चालू होगा, और 35 नगरों का भ्रमण करते हुए वहाँ पर हर नगर में भोजन दान होगा और देशना होगी, दोपहर को देशना होगी या शाम को होगी, उसमें उस नगर के रहने वाले जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो उपस्थित रहेंगे, जिनको धम्म का मतलब समझाया जाएगा, पंचशील का महत्व समझाया जाएगा। जो बाबा साहब ने 56 में कहा था कि सारी दुनिया का जो उद्धार है वो बुद्ध के मार्ग के ऊपर चलकर होगा, उसी बात को अभी अप्रैल में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने 40 देशों का जो सम्मेलन हुआ उसमें इसी बात को, बाबा साहब की बात को दोहराया कि विश्व का जो कल्याण होगा, विश्व में जो तमाम आतंकवाद चल रहा है या जो भी बुरे काम चल रहे हैं, बुरे कर्म चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो इस वातावरण में शांति स्थापित करने के लिए वो कहते हैं कि केवल एकमात्र मार्ग है, वो है बुद्ध का मार्ग। तो इसी संदेश को लेके, बाबा साहब के और हमारे देश के प्रधानमंत्री के संदेश को लेके हम लोग 35 नगरों की यात्रा करेंगे, और पंचशील का महत्व क्या होता है जीवन में वो नागरिकों को समझाएंगे, और हमको उम्मीद है कि यदि वो समझते हैं तो कुछ हद तक जो है शांति स्थापित होगी, लोगों में भाईचारा पैदा होगा और जो आपस के विवाद हैं वो भी मिटेंगे निश्चित रूप से। और हम समझते हैं कि, और हम ये उम्मीद भी करते हैं, कामनाएं भी करते हैं कि ये आपकी यात्रा सफल हो, और साथ ही तमाम इस क्षेत्र में धम्म का वातावरण बने और धम्म का प्रसार हो। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मुन्नालाल यादव जी हैं, जो कि इस क्षेत्र के पार्षद हैं और नगर निगम में वो सभापति भी हैं। यादव जी, ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको इस क्षेत्र में भिक्षुओं का ये आगमन हुआ है? भिक्षुओं का आगमन तो हमेशा शुभ रहता है और सबको अच्छा लगता है, वर्षावाद चल रहा है और धर्म का भिक्षु सारे धर्म का प्रचार करके, धर्म चरित्रा के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार घर घर कर रहे हैं। इससे समाज में जागृति आती है, समाज को अच्छी दिशा, अच्छे निर्देश मिलते हैं साधु संतों के माध्यम से। जी, इस वक्त बहुत सारी अशांति हम देखते हैं, लोग परेशान हैं, जगह जगह पर युद्ध हो रहे हैं, जगह जगह पर धार्मिक उन्माद है, और कहीं कहीं पर धर्म के नाम पर बहुत सारे विचार जब मिलते नहीं हैं तो एक दूसरे से लोग जो है नफरत करने लगते हैं। इस ऐसे वातावरण में आपको क्या लगता है कि कितनी ज़रूरत है इस धर्म की? इस ये जो सब होता है, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं होता, जो अज्ञानी लोग हैं उनके लिए ही सारे भिक्षु वो धर्म की राह पे बताते हैं, उनको सच्चाई बताते हैं। ये साधु संतों के माध्यम से, भिक्षुओं के माध्यम से ही ये दुष्प्रचार बंद होगा और लोग सही राह जानेंगे। संदीप भोरजा नाम है मेरा। जी जी, अपना पद बताइए। जी, मैं डॉक्टर परिनिर्माण भूमि दिल्ली का राष्ट्रीय सचिव हूँ, और सौभाग्य से विधायक रमेश मेंदुला जी ने यह उद्यान बनाया, इसको आम्बेडकर उद्यान बोलते हैं, जिसकी देख रेख और सभी जो साज सज्जा दिख रही है मुन्नालाल भैया ने की है। एक धर्म का बहुत बड़ा हमारे लिए एक सौभाग्य कहते हैं, जैसे बौद्ध धर्म में भाग्य तो नहीं मानते, पर हम इसको सौभाग्य मानते कि इतने बनते जो सामनेर बने हैं वो यहाँ से मेघदूत नगर गए, मेघदूत नगर से सारी गलियों में अपना धर्म का प्रचार करते हुए, भजन नगर का धर्म का प्रचार करते हुए हमें ये सौभाग्य दिया है कि इस जगह पर आकर उन्होंने यहाँ वंदना दी है। ये भजन नगर है, इस में यहाँ डॉक्टर आम्बेडकर उद्यान की जगह प्रतिमा है। तो ये बताएं कि इस क्षेत्र में इस तरह से जागरूकता आएगी आपको लगता है? जी, जब जब बौद्ध भिक्षु जहाँ जहाँ जाते हैं एक शांति का वातावरण तो बनता ही है। अभी तो हम देखते आ रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म को नहीं भी मानते वो भी अपने घरों में बुद्ध की प्रतिमाएं लगा रहे हैं,
उन्हें एक ना एक भाव होता है कि मन में शांति होती है। जिस प्रकार कई देश लड़ रहे हैं, हमारा भारत मोदी जी के राज्य में इतना शांति फैला रहा है, और वो भी कहते हैं मोदी जी कि सबसे पहले बुद्ध, उसके बाद ही सभी धर्म होते हैं। तो शांति के लिए तो सबसे बड़ा धर्म अगर मैं मानता हूँ तो बौद्ध धर्म मानता हूँ, जिनके इन प्रचारों से शांति ही मिलना है। मतलब आपको लगता है कि जो मोदी सरकार है वो जो बुद्धगया का जो टेम्पल है इस वक्त, जो कि दूसरे धर्म के लोगों के कब्जे में है, जो वहाँ का मैनेजमेंट है, वो निश्चित रूप से बौद्धों को दे देंगे, जो भारतीय बौद्ध हैं? मुझे लगता है, क्योंकि जब मोदी जी थे, उसके पहले जब नेहरू जी थे वहाँ, तो वहाँ जो बुद्ध की प्रतिमा है उसको मैंने अपने आँखों से देखा है, धम्म की यात्रा पर गया था, तो वहाँ पर जो बुद्ध प्रतिमा है उनको उन्होंने हिंदू धर्म के हिसाब से साज सज्जा करके रखी, चुन्नी ओढ़ा रखी है और भगवा उस पर लगा रखा है और कुछ सिंदूर विंदूर लगा रखा, वो हिंदू धर्म के हिसाब से पूछते हैं उसको। वो जबकि ये अभी की समस्या तो है नहीं, ये नेहरू जी के समय की समस्या है, जिसको कोर्ट में भी जाके, नेहरू जी तो चले गए, अभी क्या पॉसिबल है, संभावना है? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जहाँ तक लगता है कि 5 जो तीर्थ है वो भारतीय जनता पार्टी के इसमें बने हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उससे भी मुक्त कराएगी हम सभी को। शुभकामनाएं। तो दर्शकों, ये हम देख रहे हैं कि ये जो बजरंग नगर है, यहाँ पर आज चारिका संपन्न हुई। दर्शकों, चरथ भिक्खवे चारिकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये एक वाक्य है जो तथागत गौतम बुद्ध के ने कहा था, और इसी तरह से चारिका करते हुए जो है उन्होंने धम्म को देश ही नहीं, कई देशों में, विदेशों में, बहुत जगह, बहुत दूर दूर तक पहुंचाया था। ये एक प्रयास है, इंदौर क्षेत्र में भी इस तरह से ये किया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये ज़रूर सफल होगा, हम उम्मीद करते हैं कि इससे धम्म आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस चैनल को ज़रूर देखेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे। थैंक यू।